Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Aisha Joshi, and you are watching me on the channel of Achievers. So here it is 10th of July 2020, and we are going to take today's the Hindu news analysis. So first of all, hope you all are doing well. एंड जैसा कि कल हमने आपसे डिस्कस किया था कि ऑलरेडी हम लोग न्यूज़ एनालिसिस तो ले ही रहे हैं, उसके साथ में हमने क्रैश कोर्सेज स्टार्ट किए हैं सब्जेक्ट्स के, है ना। तो आप उन्हें मिस नहीं कीजिएगा, बहुत सारा सब कुछ है जो आप कैरी कर सकते हैं, आप यहां से गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। हेयर एज यू ऑल नो कि 60 प्लस डेज यू ऑलरेडी हैव फॉर एग्जामिनेशंस, तो हमने उसी ढंग से इन कोर्सेज को प्लान किया है कि आपके आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट सारा कोर्स कवर हो सके। ओके, सो डोंट मिस इट। एंड ऑलवेज मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ आपसे कि जितना जहाँ से मिल सके उन चीज़ों को वहाँ से गेन कीजिए। ओके, एंड हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अचीव आईएएस, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए डेली रेगुलर अपडेट्स के लिए। इसके अलावा हमने एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है, तो यूट्यूब पे उसे भी फॉलो करना ना भूलिए। उसी के साथ में हमारा जो वेबसाइट है उस पर भी डेली अपडेट्स मिल रहे हैं आपको बेस्ट आर्टिकल्स या बेस्ट स्टफ के लिए, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो बेसिकली बहुत सारे सोर्सेज को, बहुत सारा चैनल्स को, बहुत सारे जो हम कह सकते हैं उनको फॉलो करने की या उनको सबको करने की ज़रूरत नहीं है। कम आप जितना कम इन्वेस्टमेंट के अंदर मैक्सिमम लेवल पे आपको गेन हो सके ऐसे चैनल्स को ज्वाइन कीजिए। ओके, एंड ऑलवेज फॉलो वन और टू चैनल्स, जिससे कि आप ज़्यादा कंफ्यूज भी ना हो और जितना हो सकता है उतना बेस्ट कर सकें। ठीक है, सो जैसा कि आप सभी को बताया, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोटेशन से, कुछ अच्छी लाइन से, जिससे कि हमारा दिन अच्छा हो जाए। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग एक्साइटिंग दैट यू रियली केयर अबाउट, यू डोंट हैव टू बी पुश्ड, द विजन पुल्स यू। बेसिकली जब भी आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, आप किसी चीज़ को, वो कहते हैं ना, एक डायलॉग भी है आई थिंक, किसी जो चीज़ को जो है आपके अंदर बहुत इच्छा होती है उस चीज़ को प्राप्त करने की, तो पूरी कायनात भी लग जाती है आपको उससे मिलाने में। तो सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर भी फॉलो होता है कि लाइफ में अगर आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं या कोई आपने टारगेट बना लिया है कि मुझे ये चाहिए, है ना, तो वो जो विजन है ना आपका, वो जो आपका तरीका या जिस ढंग से आप उसे देखते हैं, उसके लिए जो एफर्ट्स लगा रहे हैं ना, वो आपको अपने आप ही उस विजन तक लेकर, उस पर्टिकुलर गोल तक लेकर चला जाएगा, है ना। सो यू डोंट हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट, और यू हैव टू बी लाइक यू नो टेंस्ड अबाउट इट, यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स, यू जस्ट हैव टू गिव योर बेस्ट एफर्ट्स। ओके, एंड इफ यू विल डू सो, यू विल डेफिनेटली गो थ्रू दैट, और आप 100% जो है वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। सो डोंट एवर बी सो नर्वस और टेंस्ड और सम, यू नो, यू डोंट हैव टू बी हॉच पॉच ऑलरेडी एट ऑल, यू जस्ट हैव टू गिव योर बेस्ट एंड बी एक्साइटिंग वॉट यू आर डूइंग। ओके, जो भी कर रहे हो उसे एक्साइटमेंट के साथ करो और बिल्कुल यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। द फर्स्ट आर्टिकल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज India seeing green shoots of economic revival, says PM. PM का कहना है कि इंडिया जो है वो देख सकता है ग्रीन शूट्स को इकोनॉमिक रिवाइवल। तो बेसिकली हमने अभी रिसेंटली एक जो पेंडेमिक के चलते, लॉकडाउन के चलते, जितने भी इकोनॉमिकल हम कह सकते हैं कि जो हम जितने भी वर्स्ट कंडीशन से गुजरे हैं, जो इकोनॉमिकल इश्यूज हैंडल किए हैं, उन सबको देखते हुए अभी रिसेंट डेटास के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हम लोग इकोनॉमिकल रिवाइवल की अगर बात की जाए तो वहाँ पे ग्रीन शूट कर चुके हैं, मतलब हम लोग बहुत ही अच्छे लेवल पे जा चुके हैं। जब हम लोग पूरे रेड जोन के अंदर आ चुके थे, मतलब ऐसी कंडीशन में थे कि इकोनॉमी पूरी तरीके से डाउन जा रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसे कवर अप कर लिया है। ठीक है, we are laying a red carpet for a global companies, even the PM is saying that हम लोग red carpet जो है वो ले कर रहे हैं global level की companies के लिए। Indians have the spirit to achieve what to believe to be impossible,
जो चीज़ इम्पॉसिबल होती है, जिस चीज़ में आप इम्पॉसिबिलिटी देखते हैं, उसमें इंडियंस जो है पॉसिबिलिटी ढूंढ कर उसे अचीव कर ही लेते हैं, इतना स्पिरिट इंडियन में होता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम लोग जो है ग्रीन शूट देख रहे हैं, ऑलरेडी हम देख चुके हैं ग्रीन शूट को हमारी इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर, और बहुत अच्छी तरीके से हमने इकोनॉमी को रिकवर कर चुके हैं, ये कहना है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट ओपन इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, ओके, वी आर लेइंग अ रेड कारपेट फॉर अ ग्लोबल कंपनीज टू कम एंड स्टैब्लिश देयर प्रेजेंस इन इंडिया। वेरी फ्यू कंट्रीज विल ऑफर द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज इंडिया डज टूडे। आज जो है हम ये घोषणा करते हैं कि आप आइए और हमारी तरफ से रेड कारपेट बिल्कुल बिछे हुए हैं, दूसरी देश की कंट्रीज़ आइए और हमें ज्वाइन कीजिए। ऐसा बहुत कम देश किया करते हैं, लेकिन इंडिया इज़ डूइंग सो बिकॉज़ इंडिया में इतना पोटेंशियल है, इतनी कैपेबिलिटी है कि हम जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, जो ठान लेते हैं वो अचीव कर ही लेते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी कर रहा है, और इंडियन इकोनॉमी जो बुरी तरीके से डाउनवर्ड्स जा चुकी थी उसे जो है इतना स्टैंड कर दिया है हमने कि हमने इसे मोस्ट ओपन इकोनॉमी बना दिया है वर्ल्ड की, और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं, है ना। सो ये जो अपने आप में अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, कि जिस लेवल पे हम इकोनॉमिकली थे पिछले कुछ दिनों पहले, तो वो पेंडेमिक के दौर में जिस लेवल का इकोनॉमी हमने सफ़र किया है लॉकडाउन के दौर में, वो अपने आप में वर्स्ट कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड रही है ना। और आज हम जिस पोजीशन पे हैं इकोनॉमिकली और जिस लेवल पे हमने बूस्टअप किया है, हम टॉप मोस्ट रिकवरी लिस्ट में आ चुके हैं, है ना। बिजनेसेस आर बैंकिंग ऑन अ बम्पर हार्वेस्ट एंड हाई रूरल इनकम्स टू ड्राइव डिमांड फॉर गुड्स आफ्टर द कोरोना वायरस पेंडेमिक स्टंटेड ग्रोथ इन द कंट्रीज साइट्स सॉरी सिटीज where most of the factories and offices are located. Business leaders expect a normal monsoon, record sowing of summer crops, improved winter harvest and a raft of government measures to increase rural economy incomes to boost demand for goods ranging from two-wheelers to the tractor. Okay, among others that stand to benefit are consumer durable makers, farm input producers, cement firms and essential goods manufacturers. So somewhere we can say, after looking at all these data, we can actually say that India is on the topmost level of economical revival. Okay, if we will talk about the economical condition of India, then India is on the topmost position of the world. Okay, so we don't have to think about it that economically or in any other way India is going weak, nothing like that. India is a very I can say possible country. Yeah, it is a good word for us, because every individual country believes in impossibles and possibles, but here India only believes in possible. We don't believe in impossible. So we are good or powerful country, we comes under the economically powerful country, then we should say that here we are welcoming the world economies to join us. So it is a very big statement of Prime Minister, so that they are inviting the world economies, but here I can say it is a great achievement for us. Okay, so let's take the next one. Owing up to criminalization in politics. Okay, so the FAB 2020 order pushes the envelope further on restricting criminal candidates from contesting elections. देखिए एक बहुत पुराना सिलसिला सा चला आ रहा है, क्रिमिनल्स का पॉलिटिक्स में आ जाना, और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता उन्हें, तो फिर वो फाइनली पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं, और पॉलिटिक्स में बड़ा इजी है एंटर करना, है ना। पार्टीज़ नोन चेहरे चाहती है अपनी पार्टी के अंदर, तो और वो नोन चेहरे यूजुअली दो होते हैं, या तो किसी ने बहुत बड़ा कुछ अच्छा अचीव किया है, या फिर जो बहुत बड़ा क्रिमिनल रह चुका है ना।
और जिसने बहुत बड़ा कुछ अचीव किया है तो वो तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा नहीं, तो अल्टीमेटली एक ही रास्ता बचता है, वो होता है कि क्रिमिनल्स। सो समवेयर एक बहुत मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पॉलिटिक्स में सब क्रिमिनल्स हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं एक जनरल परसेप्शन बता रही हूँ कि जब भी बात आती है पॉलिटिक्स की तो एक बहुत सिंपल सा फंडा क्लियर हो जाता है, या बहुत एक सिंपल सा पिक्चर क्लियर हो जाती है कि पॉलिटिक्स इज़ जस्ट लाइक द अदर नेम ऑफ आई कैन से क्रिमिनलाइजेशन और क्राइम, है ना। तो समवेयर कहीं ना कहीं गलत भी है ये चीज़, कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट जो है अपने आप को गलत भी प्रूव करता है, पॉलिटिक्स को गलत प्रूव करता है। बट हेयर वी कैन से कि ये जो पर्टिकुलर फंडा है उसे क्लियर अप करने की ज़रूरत है। जैसा कि 2025 में ऑलरेडी जो है एक एनवेलप वो पुश कर चुके थे कि आने वाले टाइम में कोई भी जो कंटेस्टिंग इलेक्शंस हैं और कंटेस्टेंट्स हैं वो कैंडिडेट जो है क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के साथ में। फेब 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स के बेसिस पर हम जो बहुत दूर तक जाने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेस को देख रहे हैं, रिजल्ट्स को देख रहे हैं इंडियन डेमोक्रेसी में, उसको देखते हुए हमें सबसे पहले तो ये ज़रूरत है कि कोई भी इलेक्शंस जो बेसिकली इलेक्शंस होने वाले हैं अक्टूबर 2020 में, तो उनको देखते हुए कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट नहीं आना चाहिए जो क्रिमिनलाइजेशन से क्राइम से बिलोंग करता है, जिसमें क्रिमिनलाइजेशन देखा जा सकता है ना। तो वो कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होने चाहिए ज्वाइन करने के लिए। द रीज़न फॉर सच सिलेक्शन एज ऑल्सो एज टू वाई अदर इंडिविजुअल्स विदाउट क्रिमिनल इन एंड सॉरी या इंसिडेंट्स कुड नॉट बी सेलेक्टेड एज कैंडिडेट्स इफ अ पॉलिटिकल पार्टी फेल टू कॉम्प्लाई, इट वुड बी इन कंटेम्प्ट ऑफ दिस कोर्ट्स ऑर्डर्स। ओके, सो समवेयर दिस आर्टिकल इज़ बेस्ड ऑन क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स में किस तरीके से क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और इन्हीं को देखते हुए 2020 में फैब में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर्स पास आउट किए हैं उसी पर बेस्ड है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मुद्दे को कंसीडर किया जाना चाहिए और ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो है पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता जो क्रिमिनलाइजेशन से बिलोंग करता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड से बिलोंग करता है। फर्दर ये रेस्ट्रिक्शन डाला जा चुका है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि क्रिमिनल कैंडिडेट्स जो है वो इलेक्शंस में जो हिस्सा इलेक्शंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है, तो समवेयर ये अपने आप में एक बहुत अच्छा डिसीजन है। इन कंक्लूजन अगर हम बात करें, वी मे नॉट सी ड्रामेटिक चेंजेस इन द क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स, कैंपेन्स में कंटिन्यू टू बी मोर एंड मोर पर्सनल एंड इवन अब्यूजिव, वी मे नॉट सी अ बिग चेंज इन मनी पावर और इन बाइंग ऑफ MLAs पोस्ट इलेक्शन इन द केस ऑफ। देखिए ये जो हाँ कंक्लूजन की अगर बात की जाए, हमने क्योंकि पूरा ये जो आर्टिकल है ये पूरा इसी पर बेस्ड है कि कैसे इलेक्ट क्रिमिनलाइजेशन चलता है, कैसे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के साथ में पर्सन्स ज्वाइन करते हैं, और कैसे ज्वाइनिंग के बाद भी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनते हैं, है ना। तो अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो कैंडिडेट्स की क्वालिटी में कोई बहुत जो है ड्रामेटिक चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, एंड पॉसिबल है कि कैंपेन में ऐसी चीज़ें भी हो जो ऑलरेडी कंटिन्यू हो, कैंपेन्स कंटिन्यू हो, और जो अब्यूजिव लैंग्वेजेस हैं उसे भी या अब्यूजिव एक्टिविटीज़ भी हो, है ना, तो ये भी पॉसिबल है। तो हमें उन चीज़ों को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हमें कोई बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, है ना। वी मे नॉट सी अ बिग चेंज इन मनी पावर, मनी पावर में हमें कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही हमें जो MLAs को जो पोस्ट इलेक्शन बाय कर लिया जाता है तो वो चीज़ें भी हमें देखने को मिलेगी। बट ऑल दी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, हावेवर इनसिग्निफिकेंट दे मे सीम, लेकिन इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, जिन चीज़ों में बदलाव और सुधार की ज़रूरत है वहाँ उन चीज़ों की ज़रूरत है, उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। ऑल द डजन एंड मोर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑन इलेक्टोरल फॉर्म सिंस 2002 आर इन फैक्ट रिस्पॉन्स
to citizen initiative. Not one initiative has come from the political system. देखिए कोई भी initiative जो है अगर आप उम्मीद करें political system से आएगा Supreme Court के orders के बाद भी, तो ये कोई possibility नहीं है. 1% भी इस पर विश्वास करने लायक ये बात नहीं है. अगर initiative लेना है change के लिए तो वो आम जन को ही लेना होगा, citizen को ही लेना होगा. We are responsible to take some steps or something else, because somewhere initiative couldn't be taken by the government. और देखिए जो सुप्रीम कोर्ट को करना था वो उन्होंने किया है ना, बट आगे जो पॉलिटिकल इश्यूज पॉलिटिकल पावर्स को करना है, जो लीडर्स को करना है, जो क्रिमिनल्स को करना है, वो करेंगे. बट अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है इनिशिएटिव लेना, ऐसी स्ट्रेटजीज को चेंज करना जो पुराने टाइम से चली आ रही है और अपने करप्शन की जो एक बहुत ही सॉलिड वॉल क्रिएट कर चुकी है, इसे क्रिएट करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली देश के पॉलिटिकल सिस्टम को सुधारा जा सकता है, जो कि देश में हमारे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो विश्व स्तर पे क्वेश्चन मार्क में खड़ा रहता है ना, विश्व स्तर पे जो है कटघरे में खड़ा रहता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन देखने को मिलता है. When the dam will be breached and the pure waters of the new India fall overflow over the land cannot be predicted. और ये जब जिस समय ऐसा होगा कि क्रिमिनलाइजेशन पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है, पूरी तरीके से एक नया एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है, एलिजिबल पर्सन एजुकेटेड पर्सन्स और विदाउट क्रिमिनल केसेस जो है पॉलिटिक्स रन अप कर रही है, तो ऑब्वियसली वी विल बी ऑन टॉप. एंड इवन एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा जो विश्व स्तर पर सराहनीय होगा, है ना. So this article is based on this only. Let's take the next one. The next article is visa politics. Changes to the US visa rules might do more than good to the economy of the long term. Long term economy के लिए जो है अच्छा होने की वजह हो सकता है कुछ चीज़ें harmful भी हो. तो US के visa rules के अंदर कुछ changes किए गए हैं. The administration of US President Donald Trump seems bent on pursuing controversial immigration policy measures following the COVID-19 pandemic के दौर में उन्होंने काफ़ी सारे वीज़ाज जो हैं काफ़ी सारे देशों के, उन्हें वहीं पे जो है जॉब वीज़ा स्पेशली बात की जाए तो उनको जो है बैन कर दिया था या कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दिया गया था, स्टॉप कर दिया गया था, है ना. और इन सभी कंडीशंस को देखते हुए students will not be permitted to enter the US. The Federal Immigration and Customs Enforcement Agency also advised that active students currently in US enrolled in program that would be administered in online mode or are required to leave the country or transfer to a university with in-person instruction to remain in lawful status. ये US का कहना था कि सबसे पहले तो आपको एनरोल करना होगा ऑनलाइन मोड से, और जो है आप कंट्री अगर आप यूनिवर्सिटी जो है आपको देश छोड़ना होगा, आप ऑनलाइन मोड में जो है यूनिवर्सिटी से जुड़ सकते हैं जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं, है ना. और यूनिवर्सिटीज़ जो है उसके बेसिस पर ऑनलाइन ऑफलाइन जो है कोई जो है वो नहीं किया जाएगा रजिस्ट्रेशन, और आप इंडिया US में रहकर जो है स्टडीज़ नहीं कर सकते. तो इस तरह का कुछ जो है लॉफुल स्टेटस जो है वो क्रिएट कर दिया था US ने. एंड इफ़ नॉट ICE कॉशन दे रिस्क द इनिशिएटिव ऑफ रिमूवल प्रोसीडिंग्स और सिमिलर इमिग्रेशन कॉन्सिक्वेंसेज पेल्पेबल राइपल्स ऑफ Anger across the US education system took the form of lawsuits led by Harvard University and the देखिए basically हो क्या रहा है यहाँ पे, जितने भी universities हैं उन्हें कह दिया गया है कि आप new admissions नहीं लेंगे, और जो admissions यहाँ already हो रखे हैं बाहर के लोगों के, बाहर के students के, उनको भी आप online mode पे ले आएंगे, है ना. और जो बाहर के students हैं उनको कोई new admissions नहीं दिए जाएंगे, उनको आप बस जो है joining करवाइए online, और वो अपने देश में रहेंगे, कंट्री में हमारी कंट्री में रह करके वो सर्वाइव नहीं करेंगे. तो ये जो कंडीशन है, ये जो इनका एड था, इसको देखते हुए काफ़ी एग्रेशन देखने को मिला इवन स्टूडेंट्स में भी और अदर कंट्रीज़ में भी, है ना. और इसी के चलते जो है
वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, इवन वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपोज कर दिया, क्योंकि उनका भी मैक्सिमम मार्केट जो चलता है वो बाहर के देश के लोगों से चलता है ना, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ले लीजिए। तो उन्होंने लॉ सूट भी किया, आई मीन उन्होंने कानूनी तौर पर कार्यवाही भी की सरकार के स्टेटमेंट के अगेंस्ट, बट दे डिडंट गेट एनीथिंग पॉजिटिव। ओके, सो इन सबको देखते हुए हमें कुछ अंदाज़ा जो लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि वीज़ा बेसिस पर पॉलिटिक्स चल रही है ना। जो वीज़ा अभी अपन ने देखा था कि H1 वीज़ा जो है ऑलरेडी बैन कर दिया था, और भी कई सारे जॉब वीज़ा जो है उन्हें बैन कर दिए थे। तो US समवेयर इज़ डूइंग अ वीज़ा पॉलिटिक्स, और ये वीज़ा पॉलिटिक्स जो है वो किस लिए है, ये चीज़ें अभी तक फंडास क्लियर नहीं है। बट हेयर वी कैन से कि इस तरह के जो ये पॉलिटिक्स चल रही है US की, ये कहीं ना कहीं सरकार को इफ़ेक्ट कर सकती है, डेफिनेटली कर सकती है। ओके, अनलेस मिस्टर ट्रंप इज़ प्लानिंग टू मैसिवली ओवरहॉल द US हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम्स टू एम्ब्यू अमेरिकन्स विद टेक्निकल नो हाउ एंड अ कल्चर ऑफ एडवांस लर्निंग, इट मे बी फर्टाइल टू वॉल ऑफ लार्ज स्वेथेज ऑफ द इकोनॉमी टू दोज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग वैल्यू ऑफ सच जॉब इन सच जॉब्स। बेसिकली दे डोंट वॉन्ट अदर आउटसाइडर्स टू कम इन साइड देयर कंट्री एंड गेट दैट वैल्यूबल नॉलेज, दे वॉन्ट देयर ओनली US सिटीजन्स टू गेट दैट नॉलेज एंड टू यूज दैट नॉलेज इन देयर ओन कंट्रीज इकोनॉमी और टेक्निकल बिल्डअप। ओके, and Trump is only doing this to shore up his election campaign. He wants to show that or give the signal that politically that I am very concerned about US economy, US education and US concern of security and sovereignty. So somewhere he is showing that basically it the banning of visa and the visa activities or visa politics was just a activity which can take the focus of all the citizens to their president, that is Donald Trump. He wants to establish himself, and obviously he knows very well that people are opposing him, and they literally the citizen of US don't want the Donald Trump as president, but to save his own position he is creating the visa politics. Okay, that will create two shoots, that first one to the citizens of his own country and second one to the other countries which are connected to visa policies of US. Okay, so it is all about it. The next article is none gains. Yeah, so what this article says, the US stand to lose by withdrawing from the WHO. It will forgo health intelligence. Basically what is happening, US का ये decision था, जैसे ही उन्हें लगा कि US में जो है कोरोना वायरस का जो प्रभाव है वो बढ़ रहा है और 2.8 मिलियन के करीब मतलब बढ़ चुका है, ऑलरेडी केसेस बढ़ चुके हैं, तभी उस समय उस कंडीशन में जो है US ने ये डिसाइड किया कि वो उन्होंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया, ऑफिशियली नोटिफाई किया UN को कि हम लोग अपनी मेंबरशिप WHO से वापस ले रहे हैं। ये कब हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप ने 29 मई को ये अनाउंस कर दिया कि हम लोग जो है WHO में फंडिंग नहीं करेंगे, ग्लोबल हेल्थ बॉडी है WHO उसमें हम लोग अपनी फंडिंग नहीं करेंगे और हम उसे वहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। ओके, जब WHO ने पूछा कि ऐसा क्यों है तो उन्होंने बताया, और कई सारे जो है मल्टीपल ओकेजन्स पर उन्होंने जो WHO को जो है चाइना सेंट्रिक बताया। दिस अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट इज़ वन मोर अटेम्प्ट बाय मिस्टर ट्रंप टू डिफ्लेक्ट ब्लेम फॉर ग्रॉस मिसमैनेजमेंट ऑफ द क्राइसिस। बेसिकली ये जो पूरा मिसमैनेजमेंट क्राइसिस के दौर में हुआ है अपने देश के अंदर मतलब US में, उस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए, अपने आप को जो है सही प्रूव करने के लिए, अपने आप को लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और अपने देश में
खुद को स्थापित करने के लिए देश ने जो है ये वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये फैसला लिया कि हम WHO को सेंट्रिक करेंगे, WHO को फोकस करेंगे, क्योंकि वहाँ के जो क्राइसिस हैं कहीं ना कहीं वो हैंडल करने की, उन सिचुएशंस को ओवरकम करने की जो जिम्मेदारी बनती है वो US के प्रेसिडेंट की बनती है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, जबकि उन्होंने इस जो गतिविधि है यहाँ पे, ये जो एक्टिविटी उन्होंने शो की WHO से खुद को बाहर निकालने की, US को बाहर निकालने की, तो ये कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित करती है दूसरी कंट्रीज़ का या वहाँ के US के सिटीजन्स का, किसकी तरफ, WHO की तरफ। ओके, सो दिस वॉज द अटेम्प्ट ऑफ US। इफ़ द US वॉज मेजरली इन्वॉल्व इन 2005 IHR रिविजन, इट विल नाउ हैव नो रोल टू प्ले इन स्ट्रेंथनिंग द WHO। इट विल लूज अ सीट एट द टेबल ऑफ डिटरमाइनिंग द वायरस स्ट्रेन टू बी यूज फॉर डेवलपिंग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ओके, फ्लू किल्ड ओवर 34,000 पीपल इन US इन 2018-19 एंड हैव नो एक्सेस टू न्यू इन्फ्लुएंजा वायरस सैम्पल्स फॉर रिसर्चेज। विथ नो मोर US साइंटिस्ट एम्बेडेड इन WHO इन की रूल्स, ओके, इंक्लूडिंग आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम्स लाइक द वन दैट विजिटेड वुहान, इट विल लूज आउट। देखिए, बेसिकली जो पूरा कंडीशन जो क्रिएट हुई है पेंडेमिक की, हाँ, उसका ब्लेम बिल्कुल चाइना पे आता है और कहीं ना कहीं 100% चाइना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट इसके चलते हम जो है कोई ऐसा स्टेप उठाए खुद को सही प्रूव करने के लिए, हम WHO को चाइना सेंट्रिक कहें, ये किसी भी एंगल से जो है माननीय नहीं है। हालांकि ये बात भी फैक्ट है कि हो सकता है चाइना सेंट्रिक भी हो, लेकिन ये जो गतिविधि थी, ये जो पूरी कंडीशन, जो सिचुएशन जो US ने शो की, वो किसी भी एंगल से लॉजिकल नहीं थी। ओके, ऐसे कई सारे, जैसे जो फ्लू मैनेजमेंट की अगर बात करें, 2018-19 में जो फ्लू के कारण करीब 34,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी US के अंदर, US उसे भी मैनेज नहीं कर पाया है ना, वहाँ की गवर्नमेंट उसे मैनेज नहीं कर पाई, तो समवेयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे खुद को डाउनवर्ड्स प्रूव करने के लिए, खुद को जो है सबसे नीचे पोजीशन पे बताने से जो है कतराते हुए ये ब्लेम किसी और पर डाल देना, चाहे आप चाइना ले लीजिए, अदर कंट्रीज ले लीजिए, या आप ये ब्लेम डाल देंगे WHO, तो WHO पर, तो वो किसी भी एंगल से सेंसिबल एक्टिविटी नहीं बनती है ना, और ना ही हेल्थ एजेंसीज या हेल्थ वर्कर्स या हेल्थ इंटेलिजेंस के बेसिस पर US अपने आप को अभी तक प्रूव कर पाया है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट टाइम व्हाट इज़ गोइंग ऑन, आने वाले समय में क्या होने वाला है और क्या एक्टिविटीज़ US की हमें देखने को मिलेगी, या WHO में उसका पार्टिसिपेशन किस हद तक रहता है, वो सारी चीज़ें हमें आने वाले टाइम में पता चलेगी। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये COVID-19 की वैक्सीन से रिलेटेड है, कोवैक्सीन, आपको पता है अच्छे से, और उसके अलावा जो है कोवैक्सीन इसलिए मैंने डिस्कस किया है क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोवैक्सीन क्या है, कैसे बना है, क्या क्या एलिमेंट ऐड किए गए हैं और किस तरीके से कार्य करता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस आर्टिकल इज हु गेट्स अ वैक्सीन फर्स्ट, किसने जो है, कौन पहले, सबसे पहले वैक्सीन को प्राप्त करता है, उसी पर बेस्ड आर्टिकल है। पैनल डिस्कसेस अर्ली एक्सेस टू ग्रुप्स दैट आर एट हाई रिस्क, जो बहुत हाई रिस्क पर है उन ग्रुप से ऑलरेडी पहले डिस्कस किया जा चुका है। फेडरल हेल्थ ऑफिशियल्स आर ऑलरेडी ट्राइंग टू डिसाइड हु विल गेट द फर्स्ट डोजेज ऑफ एनी इफेक्टिव कोरोना वायरस वैक्सीन। जब भी कोई कोरोना वायरस वैक्सीन सामने आती है, कोई भी इफेक्टिव, तो उससे सबसे पहले कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए और किसे जो है प्रोवाइड करवाना चाहिए। विश्व स्तर पर देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कोरोना वायरस और विश्व स्तर पर सभी देश जो है इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, तो हमें कुछ ऐसे डिसीजंस लेने होंगे, इस तरीके से जो है मोल्ड आउट करना होगा मैटर को या वैक्सीन प्रोसीजर को, जिससे कि मैक्सिमम लेवल पे उन देशों तक या उन लोगों तक ये वैक्सीन पहुंच सके जहां पे सबसे ज़्यादा हेल्थ इफ़ेक्ट कर रही है और इवन लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, मैक्सिमम डेथ रेट्स यहाँ देखने को मिल रही है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मार्क है कि सबसे पहले किसे दिया जाए। सभी देश अपने आप में अपने आप को जो है सबसे डाउनवर्ड्स या वर्थ कंडीशन में बताएंगे, तो
बेसिकली वर्स्ट कंडीशन में, या वर्स्ट कंडीशन में सॉरी वर्स्ट कंडीशन में बताने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है या कोई भी ऐसा रीज़न, वो ये है कि हमारे देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस को रोका जाए और उसके लिए हम लोग वैक्सीन सबसे पहले प्राप्त करें। लेकिन क्या ये लॉजिकल होगा ऐसी कंट्रीज़ को प्रोवाइड करवाना जहाँ पे डेथ रेट्स बिल्कुल कम है, वहाँ पे उन कंट्रीज़ को वैक्सीन प्रोवाइड, क्योंकि एक लिमिटेशन है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की। तो सबसे पहले जो लॉट बनेगा या सबसे पहले जो लॉट क्रिएट होता है वो किन देशों तक प्रोवाइड होना चाहिए, इस पर बेस्ड ये आर्टिकल है। ओके, तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाने की ज़रूरत है, एक स्टैंडर्ड जो है एक जुडिशियल बेसिस पर जस्टिस, रेशियल जस्टिस की ज़रूरत है यहाँ पे, और एक प्रॉपर रिकमेंडेशन के साथ में। CDC टिपिकली जो है रिकमेंड करती है कि एक प्रॉपर जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसे इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। व्हाइट हाउस हैज़ प्रेस्ड द एजेंसी एट टाइम टू रिवाइज और होल्ड ऑफ ऑन प्रपोजल्स इट फाउंड ऑब्जेक्शनल। ओके, एंड हेयर ओवरऑल दिस आर्टिकल कंटेन्स द वैक्सीनेशन प्रोसीजर एंड हाउ द वैक्सीन्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वॉट विल बी द सजेशंस और द व्यूज ऑफ अदर कंट्रीज दैट विल बी डिसाइडेड आफ्टर द वैक्सीन केम आउट। ओके, सो हेयर इट इज़ ऑल अबाउट इट एंड द बेसिक थिंग इज जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क है, जो हाई रिस्क कैरी करता है जो एरिया या कंट्री या जो ग्रुप्स, उनको सबसे पहले ज़रूरत है वैक्सीन प्रोवाइड करवाने की और उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस वैक्सीन को प्राप्त करना। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट वैक्सीन, COVID-19 वैक्सीन। यू कैन, ठीक है, जो आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो सब चीज़ें हम ले चुके हैं, एंड इवन यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम फॉर मोर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। अचीव IAS जो है 29K+ सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, तो आप हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है ये हमारा अचीव IAS, यू कैन जॉइन अस हेयर। एंड इसी के साथ में अलोंग विद अस हेयर यू कैन जॉइन अस ऑन आर वेबसाइट दैट इज़ www.achieveias.co.in एंड आर फोन नंबर इज़ 8968920720। इफ़ यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट अस यू कैन गो थ्रू दिस। ओके, एंड दिस वन इज़ द टेलीग्राम चैनल एज आई टोल्ड यू, अचीव IAS, इट इज़ आर टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन जॉइन अस विद इट। सो समवेयर अगर आपको बेस्ट स्टफ़ चाहिए, आर्टिकल्स चाहिए, मटीरियल चाहिए, एक्स्ट्रा स्टफ़ जो चाहिए, या आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा गेन करना है, तो उसके लिए आपको इन चैनल्स पर और वेबसाइट्स पर हमारी विजिट करना चाहिए जिससे कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस। एंड और भी कोई क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट है आपको, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वी आर गोइंग टू क्लियर इट। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है और प्रिलिम सेंट्रिक है वो, तो आप उसे ज्वाइन करना ना भूलें, मैक्सिमम कवरेज लेगा वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड बी सेफ, बी एट होम। ओके, जब कोई ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।